अपने दशहरे पे और पता नहीं बारिश पड़ रही है देखिए बाहर, और वो रावण पूरा ना गीला हो गया, अब जलेगा भी नहीं। हाँ पता नहीं कैसे जलेगा नहीं जलेगा। और टाइम बज रहे हैं 7 और टिंकी ने अपने हेयर कटिंग करा ली है। देखिए टिंकी सही से दिखाओ जरा अपने बाल, ये देखिए। हाँ उन्नति की कटिंग नहीं हुई अभी, उन्नति की कटिंग होगी तो बताएंगे। बरेली में ये देखिए झांकियां निकल रही हैं इधर। नहीं दिखा दी, अरे मेला झांकी और मेला लगा। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां हैं, बारिश बराबर पड़ रही है। रावण जी तो हम लोग क्लॉक टावर पे आ चुके हैं अभी। और हम लोग कहाँ गांधी कहाँ जा रहे हैं भाभी? हम लोग परेड ग्राउंड, तो हम लोग जा रहे हैं अभी परेड ग्राउंड में और देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन होता है। फिलहाल तो अभी बारिश हो रही है, पता नहीं रावण के क्या हाल होंगे वहाँ पे। जैम हो रखा है राम बारात के चक्कर में, क्योंकि झांकियाँ निकल रही हैं, बहुत बड़ी राम बारात है। तो हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है और भीड़ होने के कारण वहाँ पर आगे कार नहीं ले जाने दे रहे थे परेड ग्राउंड तक। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क करके और हम लोग जा रहे हैं पैदल। और बारिश के कारण थोड़ी सी वहाँ पर क्या कहते हैं ना, वो गीला गीला हो रखा था सब, तो बस हम लोग जा रहे हैं। और अधिराज अभी तो मेरे पास है और बस हम लोग चल रहे हैं। और भीड़ बहुत भीड़ थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कि कहाँ चलना है, इतनी भीड़ हो रही थी। फिर थोड़ी देर में भाभी ने अधिराज को ले लिया और हम चल रहे थे बस। फिर मैंने कैमरा ले लिया था और मैं वीडियो बनाने लगी। तो अधिराज भाभी के पास है, बाकी दोनों बच्चे आगे हैं और बस हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है परेड ग्राउंड का बाहर का सीन, और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं मेले के अंदर। तो यहाँ पर थोड़े झूले लगे हुए थे, बट उन्नति वहाँ पर इतना रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि उसको शोर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, पटाखे हो या कुछ भी शोर हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहुत रोती है। तो यहाँ टिंकी अपने झूले में पहुँच गई हैं, जंप कर रही हैं, और हमने उन्नति से कहा कि झूल लो कोई सा भी, तो बेचारी रोते रोते नहीं झूली, वो बस रोई रही थी। फिर दोनों को हमने बन टिक्की खिलाई जिससे कि उनका थोड़ा सा मन बहल जाए, और बस थोड़ी थोड़ी बन टिक्की खाई दोनों ने, बाकी हम ही लोगों ने खाई सारे मेले में। फिर हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर रावण भी दहन हो चुका था 5:30 बजे ही बारिश के कारण। तो बस हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और उन्नति भी बहुत रोई। तो बस हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा टॉयज दिला देते हैं, नहीं तो थोड़ा इनका टाइम पास हो जाएगा। और फिर हम लोग आ गए डोसा खाने, वहीं पास में डोसा हट है। और तो सब लोगों ने सोचा कि चलो खा पी के चलते हैं। फिर डोसा खाने आए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डोसे का वेट कर रहे हैं। डोसे आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े और इतने बड़े बड़े डोसे हैं। उन्नति को डोसा खाना था, टिंकी को, तो बस हम लोग आए हैं डोसा हट पे और ये लोग वहाँ खा रहे हैं बैठ के। चलिए तो हम इंजॉय करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए डोसा। तो बस हम लोगों ने डोसा खा लिया है और बहुत ही अच्छे से खाया। उन्नति ने भी पेट भर के खाया, टिंकी ने भी पेट भर के खाया, और बस हम लोगों का टम्मी फुल हो चुका है। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं घर के लिए और बस निकलेंगे। और फिर हम बस निकल के बाहर आ गए हैं और हम कार का वेट करेंगे अपनी, क्योंकि भैया पहुंच गए थे डोसा खा के कार लेने के लिए, क्योंकि कार काफ़ी आगे पार्क की थी। तो बस यहाँ पर कार आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं कार में बैठने, बस फिर हम निकलेंगे घर के लिए अपने। अब क्या हो रहा है उन्नति, मेले में क्या हो गया था? पता है क्या हुआ था, हम लोग एक्चुअली गए थे और वहाँ पर रावण ही नहीं था। पोपट हो गया, पोपट हो गया, और वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मेरे एक लड़के हमसे बाउंस कर गया, जंप कर रहे थे। उन्नति तो रोती रही पूरे मेले में ना, क्योंकि बोली रही है मेरा नेचर चली गई लाल।
आ चुके हैं घर पे। बच्चा बहुत मस्ती कर रही है। दशहरा हो गया, दशहरा में भी पट्टी हो गया। रावण तो मिला नहीं देखने को। रावण मिल जाता तो पता नहीं क्या होता। रावण का तो बहुत ही हाल है। चलो अच्छा फिर। तो बस अब मैं आ गई हूँ ऊपर अधिराज को लेके, और ये सो रहा था। अभी ये नींद में ही है, सो जाएगा। और उन्नति नीचे ही है, तो आ रही होंगी उन्नति भी अभी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज दशहरे का मेरा तो ऐसे ही रहा, बस ऐवें ही डोसा वोसा खा के आ गए हम लोग, और बस अब रेस्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।